हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। लेकिन इंटरनल एनर्जी छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही छोटा सा कम मार्क्स का टॉपिक है। हाँ, ये है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इसका यूज़ बहुत सारी डेरिवेशंस में होता है आपकी पूरे के पूरी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंटरनल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं भाई कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी आप ऐसे समझिए, किसी भी सिस्टम, एक सपोज सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सिस्टम के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो हर मॉलिक्यूल पे सेम टाइप की एनर्जी नहीं होती, हर मॉलिक्यूल पे सेम टाइप ऑफ एनर्जी नहीं होगी, अलग अलग तरीके की एनर्जी होगी। जस्ट लाइक मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, देखिएगा। सपोज कहते हैं बेटा जी, ये मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर इतना मैंने एक सॉल्यूशन को फिल कर दिया है, ठीक है। पांच छह मॉलिक्यूल्स देता हूं, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल और ये छठा मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा, छह मॉलिक्यूल्स है यहां पे। क्या आपसे पूछूं अगर मैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन है भाई ये, बाइनरी मान लेते हैं या फिर आप पॉलिनरी सॉल्यूशन मान लेते हैं। पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। बाइनरी क्या होते हैं? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं। क्लियर बेटा, सपोज इन छह मॉलिक्यूल्स को मैंने टारगेट किया तो क्या इन छह मॉलिक्यूल्स पे सेम तरह की एनर्जी होगी? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पे अलग अलग तरीके की एनर्जी होगी, डिपेंड भी ये भी करता है कि भाई किस तरीके का सॉल्यूशन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं मिलाया इसके अंदर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट तो नहीं मिलाया सॉल्वेंट के अंदर, तो ये डिपेंड भी करता है, ठीक है। लेकिन हम एक ओवरऑल व्यू लेके चलते हैं। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि भाई मैंने सॉल्यूट क्या डाला है, सॉल्वेंट मान के चल लेते हैं भाई, पानी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए सपोज कहता हूं ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो इस पे कैसी एनर्जी होगी बेटा? इस पे होगी रोटेशनल एनर्जी। क्या होगी? रोटेशनल। तो इसको बोल देता हूं ER, E फॉर एनर्जी एंड R फॉर रोटेशनल। ये वाला मॉलिक्यूल है, सपोज ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पे कैसी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल एनर्जी। कैसी होगी बेटा? ग्रेविटेशनल। तो इसको कहता हूं EG। सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है, एक हाइट को अटेन कर रहा है। अब कोई भी चीज अगर हाइट को अटेन करती है तो उस पर आ जाता है MGH। क्या होता है MGH? मतलब उस पर पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी किसकी? पोटेंशियल की। किसकी बेटा? पोटेंशियल की। अब सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इस पर कैसी होगी? इंटरनल, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसे? आयोनाइजेशन। ये सब आपने पढ़ लिया होगा पहले ही चैप्टर 3 के अंदर। क्लियर बेटा, ओके। सपोज ये वाला मॉलिक्यूल बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है या फिर किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस पर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा। अब ये मॉलिक्यूल है, सपोज कहते हैं इसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन, तो इस पे क्या देते हैं? मान लेते हैं इस पे न्यूक्लियर एनर्जी है बेटा, न्यूक्लियर, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, रेडियोएक्टिव सॉल्यूट का पार्टिकल है, मान लेते हैं, तो इस पे एक्सप्लोजन हो रहा होगा तो पूरा का पूरा फट जाएगा। होगी एनर्जी ना, लेकिन कौन सी होगी? न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसको लिख देते हैं EN। तो मतलब इस सिस्टम के अंदर छह तरीके की एनर्जी मैंने आपको दिखाई, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पूरी इस मॉलिक्यूल, इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जीज होंगी उनका समीशन क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बाय मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, ETC कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को जो हम शो करते हैं वो कैपिटल U से शो करते हैं। तो कैपिटल U को अगर मैं लिखना चाहूं तो ER मतलब रोटेशनल एनर्जी प्लस EG मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस EI मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस EN न्यूक्लियर एनर्जी प्लस EK काइनेटिक एनर्जी। और भी एनर्जीज होंगी बेटा, ठीक है। तो इन सारी एनर्जीज का समीशन कहलाएगा क्या? आपका वाइब्रेशन भी होते होंगे। सपोज एक मॉलिक्यूल है वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। क्लियर बेटा। तो बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं, इतनी तरह की एनर्जी है जो हमने आज तक नहीं पढ़ी बेटा, ठीक है। क्लियर। तो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बहुत टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, क्योंकि आप सबने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी जो होती है ना, उसको बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अदला बदली चेंज किया जा सकता है। क्लियर बेटा, ओके क्लियर। तो ये है आपका इंटरनल एनर्जी का। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, किसी भी सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सिस्टम की आप एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कांट फाइंड आउट या कैलकुलेट द एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बिकॉज
क्योंकि इसके अंदर सपोज कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, मैंने तो अभी कुछ 7-8 पार्टिकल को ऑब्जर्व कर किया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल या आयन या एटम होंगे जिन पे बहुत ही कम एनर्जी होगी, बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी होगी, क्या होगी, नेग्लिजिबल एनर्जी, और वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए उस सिस्टम में होंगे। क्लियर बेटा, जैसी आंख छपकाई वो एनर्जी गायब, तो वो कहां गई एनर्जी, सराउंडिंग में चली गई, कहां चली गई, लेकिन इस सिस्टम में तो नहीं ना, तो मतलब इस सिस्टम से सराउंडिंग में वो एनर्जी चली गई। क्लियर बेटा, तो मतलब कहने का है कुछ एनर्जी चेंज होगी, कम हो गई या ज्यादा हो गई, या फिर बाहर से भी कुछ एनर्जी आ सकती है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम की आप एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते, इसको याद रखिएगा। वी कांट कैलकुलेट एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बिकॉज some molecules have very 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 less amount of energy for a particular instant of time ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, या टाइम लिखा है बेटा, टाइम। क्लियर बेटा, तो आप कभी भी किसी भी सिस्टम की एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते। क्लियर बेटा, अच्छा ये तब की बात है जब तक ये आपका क्या रहे, टेम्परेचर इसमें चेंज हो। ठीक है, चेंज मतलब अभी सिस्टम का टेम्परेचर कुछ और हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाए, तभी इसकी आप नहीं निकाल सकते। क्लियर, लेकिन अगर सपोज हम कहते हैं कि अब बात करते हैं सपोज हम आइसोथर्मल प्रोसेस की, अभी क्या सा सिस्टम मान के चल रहे हैं कि आइसोथर्मल नहीं है, मतलब इसमें टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, इसी केस में तभी ये वाला केस आपका अप्लाई होगा, इसको याद रखिएगा। क्लियर है, ये वाला केस तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर या नीचे, टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा। अब एक केस देखते हैं जहाँ पे एक सिस्टम को मैं रख देता हूँ सेम इंटरनल एनर्जी पे, सेम टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस बनाए, तो देखिए जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए बेटा, इजी है वैसे, मुश्किल नहीं है बेटा। ये है आपका, जब हम देखेंगे जब टेम्परेचर का क्या होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, सपोज कहते हैं, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए सपोज कहता हूं कि ये एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है U1 मान लेता हूं, और इस टाइम इसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर मान लेता हूँ 25 डिग्री, मैंने ऐसे ही मान लिया 25 डिग्री, वो कुछ भी हो सकता है 100 डिग्री, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब है इसमें मॉलिक्यूल थे, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये सिस्टम इसकी इंटरनल एनर्जी भी यही है, ठीक है, फॉर आफ्टर सम टाइम कह लेते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद हमने ये देखा कि इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रह गई, चेंज हुई कि नहीं हुई, कब चेक करेंगे, जब उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 25 डिग्री ही, मतलब टेम्परेचर में जो चेंज आया वो नहीं आया, डेल्टा टी कितना हुआ 0, मतलब जो प्रोसेस था वो क्या था, आइसो थर्मल, जहां पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम की और इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सेम होगी या अलग होगी, बिल्कुल इन दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी, मतलब इसकी U2 हो गई, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम ही है, मतलब कहने का ये हुआ ऑब्वियसली ना टेम्परेचर आया ना चेंज हुआ, ना इसकी एनर्जी बाहर गई ना बाहर से एनर्जी आई, तो तभी तो इसका टेम्परेचर सेम है, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी, मतलब कहने का है, आप ये कह सकते हो कि इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इसमें चेंज हो गई होगी, इस मॉलिक्यूल की इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, लेकिन जो एनर्जी है वो रही तो सिस्टम के अंदर ही, क्लियर, ना सराउंडिंग में गई ना सराउंडिंग से आई अंदर, मतलब कहने का है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो उतनी ही रही। क्लियर बेटा, इसका मतलब है जब ऐसे लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे आपका डेल्टा टी 0 होता है, इसका मतलब T1 और T2 बराबर है, और साथ में डेल्टा यू भी क्या होता है 0, इसका मतलब U1 और U2 भी क्या रहेगा
सेम रहेगा। क्लियर बेटा? तो ये है आपका पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्लियर बेटा? क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, बिल्कुल फुल फ्लैश में, बेसिक अच्छे और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। क्लियर बेटा? क्लियर? चलिए, तो ये आपका इंटरनल एनर्जी का लेक्चर यहीं खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर मेरी जान।